हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तीनों द हिमाचली ब्लॉगर। सो कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप कीप क्वाइट। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो मैं आज काफ़ी टाइम में ब्लॉग बना रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉग बना रही। आज संडे है और यहाँ पर हमारे पड़ोस में शादी भी है। चल तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे शादी वाले घर, क्योंकि वहाँ पे पूरियाँ बबरू वगैरह बनाते हैं। तो हमें उसके लिए इनवाइट किया, सुबह बोला आ जाना आप लोग। तो अभी हम जस्ट फ्रेश हुए नहा के। बना ली कुछ बब्बू? बब्बू बना ली? सो फाइनली गाइस हमारी पूरियाँ बन चुकी है और मैंने अपने हाथों में मेहंदी भी लगा ली है। तो अभी फंक्शन जो वो लेट स्टार्ट होगा मेहंदी का। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे जो है अभी जो ये सारे खड़े हैं, वो जो दूल्हा है उसके जो मतलब नानी मामू वगैरह जो आते हैं उनके लिए उनका वेलकम करेंगे, इसीलिए ये सारे खड़े हुए हैं। तो अब आप लोग देखो ही कैसे मतलब स्वागत करते हैं। आपको दिखेगा तो नहीं, कैमरे वाले फ्रंट पे खड़े होते हैं हमेशा। तो मैं वीडियो बना रही थोड़ा बहुत, तो आप वेलकम किया जाता है जो भी दूल्हे के ननिहाल साइड से आते हैं। फाइनली गाइस अभी हम लोग मतलब आज संडे था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग नीचे गए थे मतलब फंक्शन में, जो शादी का फंक्शन था। हेलो गाइस, अभी नीचे था हम लोग की, अभी नहीं लगी बा आप। बाय गाइस। तो अभी जस्ट हम लोग एक्चुअली वैसे भी मुझे ब्लॉग बनाने का थोड़ा बीच बीच में मैंने शूट किया था। तो अभी हम लोग गए थे नीचे, तो उनके मामा वगैरह आते हैं तो वो आए थे और मैंने मेहंदी भी लगाई। तो आप देख सकते हो इस तरह की मेहंदी लगाई मैंने। तो मेहंदी का प्रोग्राम तो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि उस टाइम की शुश हो गया था और मैं नीचे नहीं जा पाई थी। और फिर मैंने मेहंदी बाद में लगवा ली थी लड़की से। और देखो कितना सुंदर डिज़ाइन डाला है, बट कलर इतना अच्छा नहीं आया। अगर मैंने रात को इधर बहुत ही सुंदर डिज़ाइन डाला, बट आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से क्योंकि कलर चढ़ा नहीं है। और इस साइड तो ठीक मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं, पर मम्मी पापा जी है। हाँ तो ये थोड़ा बहुत कलर चढ़ा है, तो अगर रात को लगाई होती तो ज़्यादा कलर चढ़ जाता, पर रात को मैं जा नहीं पाई थी। रात को क्या, रात को वैसे भी नाच गाना होता है, तो उसके लिए अगर जाती तो रात को ही लगा लेती। वैसे मेहंदी का जो फंक्शन था वो आज था, बट मैक्सिमम जो लेडीज़ थी उन्होंने कल ही पिछले कल ही लगा ली थी। तो अभी हम लोग जो वो धाम खाने जाएंगे नीचे। आज तो टाइम का पता ही नहीं चला कैसे टाइम बीत गया, तो मतलब पूरा ऐसे था कि वैसे संडे वाले दिन तो वैसे भी टाइम का पता नहीं चलता है, बट आज तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो शादी वाले घर में थे
और ऊपर थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया, और अब हम जाएंगे धाम खाने के लिए नीचे। तो धाम खाने के बाद आपसे मिलते हैं। हाँ, और किसी को धाम खाने के बहुत ही शौक होता है, एक बड़े दिन से बोल रहा था मुझे धाम खानी है मम्मा, धाम खानी है। तो फाइनली आज धाम खाएगा, बट बीमार भी चल रहा है, बट थोड़ा बहुत खिला ही दूंगी मैं इसको। बाकी फिर आपसे अब धाम खाने के बाद मैं आपसे एक करती हूँ बात। गाइस खाना दादा आई रिंक आंटी, रिंक आंटी आई तब जो दादी को दिया था मिठाई का डब्बा। अच्छा जय तो कटारा जी के नारेरा जी के पेपर छड़े जी और बल्ला सेवा मंगलं पुंडरीकाशं मंगलं सातन्यो हरिये देवा सवितुर्यज्ञं यस्य ब्रह्मा तेन यज्ञं मम तेन यज्ञं कहते हैं।
हाँ जी फिर हेलो जी हेलो हेलो कर तो वही शर्मा रही देखो लड़की कितना शर्मा रही है है? आज बड़े ब्यूटीफुल बन के आए वो देखो वो छोटी है नहीं ऐसे मत दबाने की चूँ ऐसे नहीं ऐसे ऐसे